नमस्कार, आप देख रहे हैं आरआरएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। नरेंद्र सेठिया के रिपोर्ट के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिले के बस्ती में 2.5 साल के मासूम बच्ची की हत्या के बाद पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। अब रविवार को आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। आरोपी खुद 3 बच्चों का पिता है और उसकी भी 2.5 साल की एक बच्ची भी है। महिला अपराध और अनुसंधान सेल की एडिशनल SP शाहना खानम ने बताया कि आरोपी ने जिस तरह की हरकत की है इससे यही साबित हो रहा है कि वो एक साइको है। लेकिन ज़्यादा पोर्न मूवी देखना या किसी गलत संगत की बात अभी सामने नहीं आई है। कल न्यायालय में पेश कर रिमांड में लिया जाएगा, उसके बाद गहन पूछताछ होगी। इसके अलावा आज भी आरोपी से पूछताछ की जाएगी। घटना घटी है, कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई है। कलेक्टर साहब ने कहा है कि इस तरह की घटनाएं होने पर सरकार 5 लाख रुपए का मुआवजा देती है, बहुत ही जल्दी इसका मुआवजा बनाकर हम इसको खाते में 5 लाख रुपए हम डालेंगे। मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई, ऊपर के उच्च अधिकारियों से, कमिश्नर साहब से मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा इस तरह की हम करेंगे। और हम सब लोगों की मांग है इस महिला को कम से कम 50 लाख रुपए सरकार दे, क्योंकि इस परिवार के साथ बहुत बड़ी घटना है और उसकी पूर्ति तो हम लोग नहीं कर सकते। पर इस परिवार को थोड़ी सांत्वना देने के लिए, इस तरह की पीछे जो बच्चे बच्चे वो आगे पढ़ पाए, इस तरह के लिए उनकी पूर्ति है। किस तरह का प्रकरण है, क्या घटनाक्रम है? करीब रात को 2:30 बजे बस्सी थाने में एक सूचना मिली SHO साहब को कि कुछ ग्रामवासियों ने, लक्ष्मीपुरा ग्रामवासियों ने एक संदिग्ध को पकड़ रखा है। उसने किसी बच्चे के साथ कुछ अनहोनी घटना की है। इसके ऊपर तार पे तार जुड़े और फाइनली 6 बजे पता चला कि कुएं में एक बच्ची की लाश है, ऐसा कुछ सामने आया। जिसमें 6 बजे जो मशक्कत की SHO साहब ने और उनकी पूरी टीम ने, करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद 4 मोटर उस कुएं में लगाने के बाद बच्ची की बॉडी रिट्रीव हुई। उसको हमने हॉस्पिटल में भेजा जहाँ पे मेडिकल बोर्ड से उनका मुआयना कराया। अभी PM रिपोर्ट अवेटेड है और प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत होता है। प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान जारी है।